जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं रितिक बघेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे MP बोर्ड के मेन एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम के बारे में। जी हां दोस्तों, MP बोर्ड ने इस साल नया ब्लूप्रिंट जारी किया है, क्योंकि इस बार कोर्स भी अलग रिडक्शन हुआ है और सिलेबस भी हमारा चेंज हुआ है। जी हां दोस्तों, जो कुछ एग्जाम होने वो 80 मार्क्स के होने और जो कुछ एग्जाम होने वो 70 मार्क्स के होने, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन। जी दोस्तों, नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ कि इस बार आपके जो एग्जाम होना है वो ना ही आपके MCQ बेस होना है, ना ही टर्म वाइज होना है, जैसे कि CBSE बोर्ड में होना है। जी दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका क्लियर हो चुका है कि आपके एग्जाम जैसे होते हैं रेगुलर वैसे ही होंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिना किसी देरी के आइए हम आप न्यू एग्जाम पैटर्न को देखते हैं और मार्किंग स्कीम को देखते हैं। जो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर थीम की। जो पेपर आपका किस थीम पे बनेगा आइए हम उसकी बात करते हैं। जो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 40% होंगे, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन होंगे 40% होंगे, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके 20% होंगे। एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है जी दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके चैप्टर में से आएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ने पड़ेंगे। जी दोस्तों, हम चलते हैं मेन पेपर के पैटर्न की ओर। जी दोस्तों, आपके मेन पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स, फिलअप्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड होंगे। और ये 4 क्वेश्चन लिखे वो साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स में ट्रू फॉल्स नहीं आते हैं। इस प्रकार से आपके 32 मार्क्स का वेटेज हो गया 1 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। फिर आएंगे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन 10, जिसमें 20 मार्क्स का वेटेज हो गया। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 4, जिसमें 12 मार्क्स का वेटेज हो गया। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 4, जिसमें 16 मार्क्स का वेटेज हो गया। कुल मिलाकर आपका ये होता है आपका 80 मार्क्स का वेटेज। जी हाँ दोस्तों, आपको जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी और ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगी, यही 70 मार्क्स के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। जी दोस्तों, हम बात करते हैं 70 मार्क्स के एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्क्स के जो वहाँ क्वेश्चन होंगे वो 4 होंगे, जो कि 28 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, फ्लप्स आएंगे, मैचिंग आएगी और 1 वर्ड आएगा। जी दोस्तों, 1 मार्क्स के क्वेश्चन का 28 मार्क्स का वेटेज हो गया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 8 क्वेश्चन आएंगे, जहां आपका 16 मार्क्स का वेटेज होता है। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, जहां आपका 12 मार्क्स का वेटेज होता है। 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे, जहां आपका 4 मार्क्स का वेटेज होता है। 5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जहां आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जी दोस्तों, सेम रूल एप्लीकेबल है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए आपके लिए चॉइस है और ऑब्जेक्टिव में आपके लिए कोई चॉइस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये समझ आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जी हाँ दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट।